हेलो गाइस, ये जो ट्रैवल सीरीज है ये केदारनाथ यात्रा की है, जिसमें हमने अपने होम टाउन लखनऊ से लेकर केदारनाथ तक का सफर पूरा अपने कैमरे में बसा लिया है। ये सफर का पहला एपिसोड है और अगर आप पूरी सीरीज देख लेंगे तो यहाँ जाने का मन कर लेगा। कुछ चीज़ें हैं जो कैमरे में कैद नहीं हो सकती हैं, उनको मैंने फोटो के जरिए आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। वेलकम टू द ब्लॉग, मेरा नाम हर्षित है और आज से हम केदारनाथ यात्रा की सीरीज का शुरुआत करते हैं। तो आज हम ऑफिस से बाय बोलकर मैं निकल पड़ा स्टेशन की तरफ और अपने टाइगर स्टेशन को देख के बहुत मन हो रहा था कि जब जैसे ही हमारी ट्रेन आए हम उस पर चढ़ जाए सीधा हरिद्वार। तो वहाँ जाके पता चला कि जो हमारी ट्रेन है वो 3 घंटा लेट है, थोड़ा और ये हम हमारे दोस्त जो हमें छोड़ने आते हैं वो और सब लोग। फिर हमारी ट्रेन आई 3 घंटे बाद और फिर आज हमारा सफर शुरू हो गया। खुश तो बहुत थे यार, क्या होगा। फिर ट्रेन एक जगह और रुक गई और वहाँ उतर कर थोड़ी फोटोग्राफी करने के बाद फिर हम सब सोने चले गए। सोचा था कि सवेरे पहाड़ दिखेंगे बट यहाँ तो कुछ अलग ही नज़ारा था। मौसम तो बहुत सुहाना था बट कोई पहाड़ नहीं, तो सोचा इसी का मजा ले लेते हैं। और फिर बहुत वेट के बाद हमें अपना स्टेशन दिखाया गया, पूरा 3 घंटा लेट पर पूरा मजा लेते हुए ट्रेन का, स्टेशन को देखते हुए कि चलो हवाई मंजिल के हम एक कदम और करीब आ गए। ये है हमारा पहला पहाड़। फिर इसके बीच में जो हुआ वो मैं आपको सफर के बीच में चलते हुए बताऊंगा, तो अभी तो सिर्फ नज़ारों का मजा लीजिए क्योंकि अब हमारे द्वार पहुंच गए थे और अब हमारा सफर चालू हो गया था। 3 घंटा लेट होने की वजह से बस तो छूट गई थी बट कार ले ली थी। तो पहले हम गए हरिद्वार के घाटों पे, माँ गंगा को निहारते हुए बस उनका बहाव देखते हुए मन तो हो रहा था कि जाके बीच में टहल ले पर पानी बहुत ठंडा था। फिर यह है ऊपर मनसा देवी का मंदिर, यहाँ पे सोचा था कि जाएंगे बट समय नहीं था इतना, तो फिर निकल पड़े अपने सफर की शुरुआत पे। तो आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। 3 घंटा लेट होने की वजह से जो हमारी बस थी वो तो हमसे छूट गई बट एक भैया मिल गए जो कि उधर ही जा रहे थे, तो पता चला कि उनको वहाँ जल्दी पहुँचना है, तो उन्होंने हमें कम पैसों में हमें वहाँ पर ले जाने के लिए बोला। बट उन्होंने बोला कि वो कहीं बीच में रुकेंगे नहीं, तो रुद्रप्रयाग भी हमने ऊपर ही ऊपर से देखा। बट फिर क्या था, बस जाना तो था ही और आज की बुकिंग भी थी, तो फिर हम निकल पड़े अपने सफर पे बिना कुछ सोचे समझे। रूट मैप दिखाने का तो बहुत मन था बट कुछ वजहों से रूट मैप आ नहीं पाया। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि हरिद्वार से बस लेनी थी पर बस तो छूट गई। फिर हमने कार लेकर पहले ऋषिकेश पहुंचे, शिवपुरी, फिर देवप्रयाग, श्रीनगर, फिर रुद्रप्रयाग, फिर गुप्तकाशी, फिर पाठा, सीतापुर और फिर चलते चलते पहुंच गया सोनप्रयाग। तो ये है हमारा आज का पूरा रूट मैप। बस अब आप नजारों का मजा लीजिए, बाकी काम मुझ पे छोड़ दीजिए। वादियों के बीच आकर खुशी तो बहुत थी पर क्या करें, इस फोन की घर से सब चले थे तो बहुत सवाल थे कि मौसम कैसा होगा, क्या कैसे जाएगा, कैसे हम आगे जा पाएंगे।
अगर बस छूट गई तो। अब सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। मौसम तो वैसे बहुत साफ था, पर हमारा वेदर दिखा रहा था कि बारिश बहुत ज़ोरों से आएगी। तो बस अब हम आगे बढ़ते रहे और फुल एंजॉय करते रहे। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि वो बादलों में ही पहाड़ छुपे थे। फिर थोड़ा जूम करके देखा तो पहाड़ ही थे, उन पर धीमे धीमे बादल आए हुए थे। तो उसको देख के और मनोतावला हो गया कि बस अब तो जाके सिर्फ बर्फ में ही पहुंचना है। बगल में बहती अलकनंदा नदी के साथ हम चल दिए उनको पहाड़ों के पास जाने के लिए। ये पहाड़ों पे बसे हुए छोटे छोटे घर देखकर लग रहा था कि लोग कैसे यहाँ पे आते होंगे, कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता होगा, कैसे इस तरफ ही आते होंगे और अपना घर चलाते होंगे। ये बस उन बादलों का पीछा करना चाहते थे जहाँ पे मुझे वो पहाड़ दिखे थे। मन तो हो रहा था बस यहाँ से उड़ के चला जाओ और उस बादलों में जाके लिपट जाओ, बस क्या कर सकते हैं हम, कोई सुपरमैन तो है नहीं। तो फिर मस्त फोन निकाल के पूरा व्यू अपनी आंखों में बसाते हुए और फिर आपको दिखाने के लिए सब समेट लिया। कुछ नदियाँ, कुछ पहाड़, कुछ घाटियाँ, सब इतनी सुंदर लग रही थी जैसे हमारा पहला सपना पूरा हो गया। वैसे था तो ये हमारा पहला सपना ही, और अपने सपने को जीने का मजा तो कुछ और ही होता है। कुछ घाटियां तो ऐसी थी जिनको वहीं रुक के निहारने का बहुत मन कर रहा था, बस हमारे पास समय बहुत कम था तो हम चलते रहे। दूर हमें बादलों के पास कुछ हिमालय की चोटियां नजर आईं, उनको वहीं रुक के देखने का मन तो बहुत था पर क्या करें हमारे पास समय बहुत कम था। तो बस फिर हम नजारों और घाटियों का मजा उठाते हुए चल पड़े आगे। ये कुछ बादल जो सूरज की रोशनी में अलग लग रहे थे, जैसे लग रहे थे कि दूध की तरह हो। यहाँ की हवा में एक अलग सी ही ठंड थी और खुशबू थी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। अब आगे रास्ते और भी सुहाने होते रहे और हम बादलों के और भी करीब पहुंचते रहे। ऐसा लग रहा था कि मानो अगला पहाड़ पार करते ही हम बस बादलों को
अपने हाथों से पकड़ पाएंगे। और फिर हम गुप्त काशी पहुंच गए और ये हमारा पहला झरना। वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब है मालूम है, बट क्या करें, रास्ता भी उस समय बहुत खराब था। पर फिर हम झरनों के पीछे चलते रहे और फिर लगातार 1, 2, 3 बहुत सारे झरने हमें दिखे। कुछ ऐसी ऐसी जगहें थी जो रुकने का बहुत मन था, फिर वही कि हमारे पास समय नहीं था। शाम से पहले हमें सीतापुर पहुँचना था, तो हम चलते रहे और वीडियो बनाते रहे। और फाइनली हम सीतापुर पार करके सोनप्रयाग पहुंच गए और यहां से हमारी पैदल यात्रा चालू। हम चारों दोस्त निकल पड़े अपना अपना बस्ता लाद के गौरीकुंड की तरफ। सोचा कल जल्दी उठ के यात्रा चालू कर देंगे, और वहीं हमसे हो गई एक गलती। वहां के प्राइस कुछ अलग ही आसमान छू रहे थे, तो फिर हमें एक छोटा सा डॉर्मेट्री लेके रहना पड़ा। और तो व्लॉग वन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।